बिल्कुल सुनाइए। या धरती मारी मावड़ी नियो गगन ही मेरो घरानो है, या धरती मारी मावड़ी नियो गगन ही मेरो घरानो है, इन संकल्प पे जीने वालों वो मेवाड़ रो राणो है। पर धन्य होमा जयवंता जो मेवाड़ ने अड़ो वीर दियो, धन्य होमा जयवंता जो मेवाड़ ने अड़ो वीर दियो, इन धरती रे खातिर राणो बहलोल खान चीर दियो। और बैड़ा जका आया ही जग में सबने एक दिन जानो है, पर मर के भी जो है जिंदा वो मेवाड़ मेवाड़ राणो है। जंगल में इधर उधर वो अरावली की पहाड़ियां जिनमें वो इधर उधर दधर भटकते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि जठे राणा जी बोल दियो वो ही अदब पर हमारो। तो बरस 1996 था जब इस देश के अंदर पहली बार इंटरनेट आया। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। एक दौर था जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल जो है, गूगल का इस्तेमाल जो है, वो किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए करते थे। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, मुझे देश का प्रधानमंत्री का नाम पता करना है तो मैं गूगल करूँगा, मुझे देश के प्रधानमंत्री का नाम पता चल जाएगा। एक दौर था इंटरनेट से पहले जब ये सब चीज़ें करने के लिए हम एक किताबों का सहारा लेते थे, जिन्हें हम जीके की बुक्स बोलते थे। हम लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं, जीके की बुक्स हमने बहुत देखी हैं, जिसके अंदर देशों की राजधानियाँ, अमेरिका की राजधानी क्या है। लेकिन वक्त बदला, इंटरनेट आने से क्या हुआ कि अब सब चीज़ें एक क्लिक पर मिलने लग गई। क्लिक पर मिलने से क्या हुआ कि हमारी किताबों का नुकसान हुआ। किताबों का नुकसान ये हुआ कि जिन चीज़ों के लिए हम किताबों में इन्वेस्ट करते थे, वो चीज़ें ख़त्म होती चली। और मैं यानी इसी दौर के अंदर मैं एक ऐसे नौजवान से मिला जिसकी आयु 20 बरस है, और मैं उस 20 बरस के नौजवान से मैं ये मतलब उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैं किसी शौक के ऊपर उनको मिला था। और मुझे लगा नहीं था कि वो मारवाड़ी में भी गा लेता है, वो हिंदी में भी गा लेता है, वो जो है ऐसी। जब उसके नाम से मैंने जोनी इलिया साहब का नाम सुना तो लगा कि यार क्या आदमी है, किसको सुना है उसने। फिर धीरे धीरे पता लगा कि वो तो बरेलवी साहब का भी फैन है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को लगा कि यार ऐसे एक ऐसा शख्स जिसने 20 बरस की उम्र में, लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आज उसको ये रील देखनी थी, आज इसकी रील देख रहा था, कल किसकी रील देखनी है। उस दौर के अंदर वो आदमी किताबों में खो गया, पेन और पेंसिल को अपनी ज़िंदगी बनाने लग गया, कागज़ के साथ वो प्यार हो गया उसको, कलम के साथ जो कलम चलती है उससे उसके हाथ चलने लग गए। इस मिला मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे बात करने के लिए, उनसे आपको रूबरू कराने के लिए मैं आज उनको आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। लेकिन जो मेरा जो मेन मकसद है, क्योंकि मैंने उनसे अपफ्रंट बात की है, बैठ के हमने साइड में बातचीत की है, तो मुझे दो चीज़ों को लेकर के मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अट्रैक्शन ये था, एक तो 20 बरस का है, रिसोर्सेज की, एक्चुअल में सबको पता होगा कि 20 बरस का है तो रिसोर्सेज की कमी होगी होगी। तो उससे सबसे बेस्ट मोटिवेशन ये मिला मुझे कि अगर आपका रिसोर्सेज की कमी है तो आपको हारना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि उस कमी के साथ अपने काम को कैसे जारी कर सकते हैं। तो बलराम भाई कैसे हो? बस बिल्कुल। ये है बलराम दादीच, और मतलब क्या क्या आदमी हो यार जो है ठीक है, एकदम जनरल आदमी है। नहीं जनरल तो हो, ये तो मैं आपके लिए आज कह रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त जो मेरे को जितना मैंने आपको जाना है, मुझे लग नहीं रहा कि आप जनरल हो, आप जाके कुछ ना कुछ बड़ा ही करोगे। क्या मतलब क्या क्या स्ट्रगल रहा, कैसे क्या शुरुआत की, क्या ये लगा कि इस उम्र में ये सब चीजें शुरू कर देनी चाहिए? धीरे धीरे टाइम के साथ में करते हैं बात, करते हैं बैठ के करेंगे बात करते हैं। पहले जो आप ये प्रयास कर रहे हैं जो लोगों तक की ये सारी चीजें पहुंचाने का, हम जैसे छोटे कलाकारों को, अरे कलाकार कभी छोटा नहीं होता मेरे भाई, आगे बोल। हम जैसे छोटे कलाकारों को आप बुला के जैसे लोगों के सामने रख रहे हैं, हमारी जो आपकी हमारे प्रति आपकी ये कहेंगे लोगों के जो सवाल होते हैं या लोगों की जो मानसिक एक रहती है विचारधारा की ये चीज होनी चाहिए, इसका एक अनुभव सामने होके बोल, मेरे को सुनना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। ये चीजें जो आप जाहिर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये आपका जो प्रयास है ये चाहूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस चीज का आप भी विशेष ध्यान रखें कि बड़े भैया का जो प्रयास है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आपकी सेवा में नए नए लोगों को बुला के उनका पॉडकास्ट ये लेते रहते हैं, तो उस चीज पे विशेष से हम प्रभाव डालेंगे हमारी बातचीत में। मुझे वो कुछ मारवाड़ी में सुना दे बस, फिर अपन बैठ के बात करते हैं अच्छे से, कुछ मारवाड़ी, कुछ भी मारवाड़ी में जो अच्छा लगे वो। कुछ भी मारवाड़ी में तो ऐसा विशेष नहीं, हम देखेंगे, अभी देखना पड़ेगा, देख के बता दो, दो मिनट से बता दो, सुना दो जो भी सुना सकते हो, फिर अपन बैठ के बातचीत करते हैं आराम से तसल्ली से। मारवाड़ी में अच्छा मैं राणा प्रताप की कुछ पंक्तियाँ, हाँ कुछ पंक्तियाँ तो, जो भी आपको बेस्ट लगे, आप कुछ भी जो आप मारवाड़ी में सुना सकते हो वो सुना दो, क्योंकि मैं को थोड़ा सा प्यार है अपनी भाषा से।
तो एक वीरस मैंने जो पहला वीरस लिखा था, हाँ बिल्कुल, अपनी मायर भाषा में लिखा था, राजस्थानी में, बिल्कुल सुनाइए। तो यह धरती मारी मावड़ी नियो गगन ही मेरो घरानो है, यह धरती मारी मावड़ी नियो गगन ही मेरो घरानो है, इन संकल्प पे जीने वालों वो मेवाड़ रो राणो है, चेतक पे सवार होके चाले जो बलवानो है, चित्तौड़ रो पुत हो उदय सिंह रो राणो है, और जद मुगलारी बाता में पड़िया सगड़ा राजा हा, जद मुगलारी बाता में पड़िया सगड़ा राजा हा, जना 3000 सेना शु बजाया सबका बाजा हा, हजारों आया लड़वा ने लहू लुहानिया माटी है, राणा की विजय की गवाही देवे या हल्दी घाटी है, और धन्य होमा जयवंता जो मेवाड़ ने अड़ो वीर दियो, धन्य होमा जयवंता जो मेवाड़ ने अड़ो वीर दियो, इन धरती रे खातिर राणो बहलोल खान चीर दियो, इन धरती रे खातिर राणो बहलोल खान चीर दियो, और 72 को कवच हाथ में 81 को भालो हो, महेंद्र को कवच हाथ में 81 को भालो हो, एक अकेलो ठाकुर अकबर ने रुलावा वालो हो, और पड़ियो फर्क हर एक मौत से हर एक के खातिर रायो हो, पड़ियो फर्क हर एक मौत से हर एक की खातिर रोयो हो, महिला वालो राणो मारो जंगला माते सोयो हो, और वो बेजुबान लड़तो रण में जाने कितनो दौड़ियो हो, जमानो छोड़ियो राणा ने चेतक कोनी छोड़ियो हो, और मसीहा सारा लोगारो मेवाड़ में पूरो दमक्यो हो, सपना में भी देख करके अकबर जी ने चमक्यो हो, और बाइड़ा जी का आया ही जग में सबने एक दिन जानो है, पर मर के भी जो है जिंदा वो मेवाड़ मेवाड़ो राणो है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने महाराणा प्रताप जी के लिए एक चीज कही, मैं मेवाड़ की जनता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यार क्या वो उस जमाने की क्या जनता रही होगी जिन्होंने ये कहा राणा जी को कि जठे राणा जी बोला बठे उदयपुर, जठे राणा जी क्या बठे उदयपुर, बठे भाई उदयपुर, उसमें आप देखो ना मतलब वो जंगल में इधर उधर वो अरावली की पहाड़ियां जिनमें वो इधर उधर दर भटकते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि जठे राणा जी बोल दियो वो उदयपुर हमारा, तो राजा माना ना। और ये कहावत कहां से कहां मतलब किस जमाने से चलती है, आज भी चल रही है, चला ना आज हमारे बड़े बूढ़ों के सत्कार में कह देते हैं अगर पिताजी हैं, पिताजी कहते नहीं ये काम नहीं करना, ये काम करना, ये जगह यानी यही है, तो राणा जी ने क्यों नाराज करा है, बस राणा जी को नाराज नहीं करना, राणा जी कहते हैं वहीं उदयपुर, और वो चीज चली भी है। देखो आप शुरू से आप इतिहास उठा के देखो, आज कोई कहता ना, आज आप देखो ना, आज मैं ऐसे व्यक्ति के जाऊंगा नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी अगर लोग पहला अगर कदम पॉलिटिक्स में रखता है तो वो ये करेगा, क्या करेगा, जगह जगह लोगों की मदद करेगा, दान हाँ, तो उसमें नाम क्या लगाएगा आगे, भामाशाह, भामाशाह, वो भामाशाह कहाँ से है, वो उन्होंने महाराणा प्रताप को उस जमाने में सिक्के दिए थे, सिक्के दिए थे उनको, पैसे दिए थे, पैसे पैसे तो आज बन गए, उस जमाने में तो वो सिक्के हुआ करते थे जो उन्होंने मदद की, वसुंधरा जी ने तो भामाशाह के नाम से एक वो कार्ड भी चलाया था, बिल्कुल। ये सारी चीजें क्या पुरानी है, इस पे भी चर्चा करेंगे हम धीरे धीरे, चलो बैठ के बात करते हैं, ठीक है।